सुबह सुबह का समय है, अपने गार्डन में मैं घूम रही हूँ, देख रही हूँ क्या क्या बढ़ रहा है, क्या खराब हो रहा है। अगर सूखे पत्ते वगैरह हो तो हम उनको निकालते जाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, और ये इस गमले में है, ये आप देख सकते हैं। और ब्लूमिंग वाले मैंने कई प्लांट्स तो गमले में ही लगाए हुए हैं, और कई नीचे अपने ज़मीन में लगाए हुए हैं। इसमें पानी हम पाइप से देते रहते हैं, तो पाइप भी पड़ी हुई है, आपको दिख गई है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, वाइट कलर के, पिंक कलर के, रेड कलर के, और आप देखते ही बनता है। ये मानसून का समय चल रहा है, बारिश जब जब आती है ऐसे लगता है हम हिल स्टेशन में बैठे हैं। इतना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, और आप देख सकते हैं यहाँ देखिए कितना बढ़िया ये हिबिस्कस के प्लांट्स ब्लूम कर रहे हैं। आपको देखिए एक एक पेड़ में कितने कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। ये कई प्लांट्स इसमें हमने वेरीगेटेड लगाए हैं, कई प्लांट्स अपने देसी हैं। ये आप देख सकते हैं ये पर्पल हार्ट्स, पर्सलिन, पोर्चुलक का सारे प्लांट्स हमने छोटे बड़े गमलों में लगाए हुए हैं। ये देखिए ये गुच्छे के गुच्छे प्लांट्स में फ्लावर्स आ रहे हैं। इधर ये रूहियो प्लांट देखिए गमलों में कैसे छाया हुआ है। ये बादाम का प्लांट है, बादाम के आजू बाजू दो प्लांट्स हैं, और एक में ग्रीन लीव्स हैं और एक में येलोइश ऑरेंजिश लीव्स हैं। आप देखिए ये बादाम हमने बहुत सारे गिरते रहते हैं, एक जगह इकट्ठे किए हुए हैं। इससे बादाम बहुत आसानी से उग जाता है। जो हमारे घर में बादाम आता है, जो उसकी महंगी होती है, उसके उगाने में काफ़ी टाइम लगता है, इससे जल्दी उग जाता है। दोस्तों ये देखिए कितने सारे बादाम हैं। इस तरीके से हमने एक बादाम उगा के भी देखा, आप देख सकते हैं ये बादाम का प्लांट उग के आ गया है। फ्लावरों की तो छटा ही निराली है, आप देख सकते हैं। और ये जो साइड साइड में वाइट और ग्रीन कलर के प्लांट्स के साथ ये डार्क ग्रीन कलर का प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें फ्लावर कितना प्यारा सनफ्लावर जैसा आता है, और इसमें ऑरेंज कलर की सी राइस जैसी एक छोटी छोटी सी वो लटकी रहती है, जैसे कि केसर है क्या, बहुत प्यारा लगता है ये भी प्लांट्स। और पीछे की साइड भी मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये पिंक ब्राउन कलर का प्लांट है, आप देख रहे हैं कितना प्यारा आ रहा है। इधर हमने छोटे छोटे कई सारे पाम प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, और पाम प्लांट्स तो देखते ही बनते हैं जब बढ़ जाते हैं। ये देखिए मेरे यहाँ के वो ये हिबिस्कस के फ्लावर हैं, जो हमारे घर के आगे ही लगे हुए हैं। हिबिस्कस का पूरा 5-6 प्लांट हैं, जिसमें से हिबिस्कस आता रहता है। ये देख रहे हैं आप, इसमें जो बर्ड्स भी काफ़ी निकल के आ रही हैं, और फ्लावर तो खिलते जाते हैं। हम रोज़ की रोज़ भगवान जी पे ताज़ी ताज़ी फ्लावर्स चढ़ा देते हैं। ये बर्ड्स देखिए, एक ही प्लांट में 5-6 फ्लावर तो कम से कम रोज़ आ ही जाते हैं, और बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये वेरीगेटेड हिबिस्कस है, जो डबल कलर का होता है, वाइट एंड ग्रीन कलर का, आप देख सकते हैं ये प्लांट। इसमें सुबह सुबह मेरा तो रोज़ यही काम होता है, जो पीले पत्ते पड़ जाएं उनको निकाल देना। नीचे कितने सारे निकले पड़े हैं, जो मैं ये रोज़ निकाल देती हूँ, क्योंकि इससे और भी पत्तियाँ पीली हो जाएंगी। सूखेगा पेड़ कोई मतलब नहीं है, तो इन बात का ध्यान रखें, जो पत्ते सूख जाएँ, येलो हो जाएँ, उनको निकाल दीजिए। इससे हमारे पेड़ की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं जाएगी, और हमारा प्लांट अच्छे से उगेगा, फ्लावर्स बहुत अच्छे से ब्लूम होंगे। और इस बात का ध्यान रखते हुए हम रोज़ की रोज़ ये काम करते रहते हैं, और ये आप देख ही रहे हैं, मैं ये काम कर रही हूँ और आपको दिखाती जा रही हूँ दोस्तों। और इसी के पास हमारा बड़ा एक प्लांट है, जिसमें पेड़ के ऊपर ही मैंने मनी प्लांट चढ़ाया हुआ है। थोड़ा बढ़ जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ, छोटे बड़े 5 हमने प्लांट साइड साइड से पूरी शाखाओं के साथ चढ़ा दिए हैं, और बढ़ने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू जरूर कराऊंगी। अभी आप नीचे की तरफ है तो देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। जब जब मिट्टी की गुड़ाई करती रहें, जिससे कि जो भी हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालें,
तो वो सारे प्लांट को मिलती रहे और नीचे जड़ तक जो हम लिक्विड फर्टिलाइजर डालें वो पहुंच जाए और हमारा प्लांट अच्छे से बढ़े। ये देखिए केले का प्लांट जो मैंने लगाया था अच्छा बढ़ रहा है। ये देखिए रोहू प्लांट तो कितना फैल रहा है, ये तो देखते ही बनता है। और अपराजिता प्लांट देखिए कितना प्यारा आ रहा है, फ्लावर बहुत अच्छे आ रहे हैं। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दो और भी चैनल हैं, साधना टेरेस गार्डन और चांदनी स्टूडियो, उनको भी देख दे।